टू बी इक्वली एक्साइटिंग, क्योंकि आज के सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम टच अप करने वाले हैं दो नए प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के, जो हमारे बिजनेसेस को डेवलप करने में मदद करेंगे. सो आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? ऑलराइट. बोला जाता है दैट सोशल मीडिया इज मेंट टू बी सोशल, इसीलिए आप प्रमोट करना बंद कीजिए. स्टॉप प्रमोटिंग, स्टार्ट एंगेजिंग एंड क्रिएट योर नेटवर्क. सोशल मीडिया का अगर आप वाकई में सही मायने में फायदा उठाना चाहते हैं, सो यू नो यू हैव टू बी सोशल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना डायरेक्टली, आपको एंगेज करना है, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इन आवर बिजनेस योर नेटवर्क क्रिएट्स योर नेटवर्थ. तो अगर आप अपनी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक बढ़िया सा नेटवर्क क्रिएट करें, कम्युनिटी क्रिएट करें, जिसके साथ आप एंगेज रहें और आप अपने बिजनेसेस को आगे लेके जाएं. तो जहां कल हमने फेसबुक के बारे में बात की थी, आज हम एक सोशल मीडिया पावर हाउस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज के समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. एंड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स इंस्टाग्राम. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स होंगे. आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको यू नो प्रोफेशनली यूज करना जानते हैं. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते हैं इंस्टाग्राम को यूज करना, बट आर नॉट श्योर कि इसको कैसे यूज करना है. तो आज हम इंस्टाग्राम के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स लर्न अबाउट इट. हम देखते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को एनहांस करने के लिए. वेल, इंस्टाग्राम जो है ये सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप है एप्पल ऐप स्टोर पे. ये 10th मोस्ट पॉपुलर गूगल क्वेरी है, तो आप समझ सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी. कौन इस्तेमाल करता है इंस्टाग्राम? हु इज एक्चुअली यूजिंग इंस्टाग्राम? 1 billion people use Instagram every month, यानी कि 1 billion लोग Instagram को हर महीने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 500 million लोग जो हैं, वो Instagram stories use कर रहे हैं हर दिन. Instagram 5th rank में है, behind Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger and WeChat. So this is the global numbers जो मैं आपके साथ यहाँ पे share कर रही हूँ. You can imagine the potential जो ये platform hold करता है. एंड अगर आप देखेंगे, मैंने कल भी बात किया था दैट स्टोरीज आर टेकिंग बाय स्टॉर्म. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम इस हैंडल के बारे में जानें, ताकि हम इसको सही मायने में यूज कर सकें. तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं? अगर ये प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? नंबर 1 पे है USA, जहाँ पे 110 मिलियन यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. ब्राजील, जहाँ पे 70 मिलियन यूजर्स जो इसको यूज करते हैं. इंडिया इज एट नंबर 3, विच हैज 69 मिलियन यूजर्स. सो यू कैन इमेजिन यू नो द ग्रोथ पोटेंशियल ये प्लेटफॉर्म जो होल्ड करता है. Then we have at number 4 Indonesia with 59 million users and Russia with 40 million users. So Bharatvarsh top 5 countries mein aata hai of Instagram users. So agar abhi tak aapka Instagram handle nahi hai ya agar hai aur aap isko use nahi kar rahe hain, so I would really request all of you ki aap is platform ka istemal kare. Aaj hum iske bare mein kuch jante hain. इंस्टाग्राम के बारे में जानने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इंस्टाग्राम की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें, राइट? सो हम बात करते हैं इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में. सबसे पहले इंस्टाग्राम के लिए कई बार IG वर्ड यूज किया जाता है, एक एब्रीविएशन होता है फॉर इंस्टाग्राम. सो IG मीन्स इंस्टाग्राम. देन देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल. इंस्टाग्राम हैंडल आपका यूजर नेम होता है, राइट?
ये मेंशन करता है यूजर इंस्टाग्राम पे, अगर आप किसी यूजर को मेंशन करना चाहते हो, किसी को आप टैग कर रहे हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आपको एट द रेट सिंबल के बाद उनका इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि उनका नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप Forever Living Products India का इंस्टाग्राम हैंडल पेज देख रहे हैं, राइट? सो यू सी द होम स्क्रीन ओवर हियर. अब आप इसमें देखेंगे दैट Forever Living Products India का इंस्टाग्राम हैंडल इज FLP India. सो अगर आपको Forever Living Products India को टैग करना है तो आप करेंगे @FLP India एंड यू विल बी एबल टू टैग. सो इट इज जस्ट लाइक ट्विटर, जैसे ट्विटर हैंडल होता है, सो इट्स नोन एज इंस्टाग्राम हैंडल. जैसे फेसबुक अकाउंट होता है, दिस इज अ इंस्टाग्राम हैंडल, राइट? देन वी कम टू द थर्ड टर्म जो इंस्टाग्राम में बहुत मायने रखता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, विच इज अ बायो. बायो मतलब बायोग्राफी सेक्शन आपके प्रोफाइल का. और बिजनेसेस जो होते हैं ये इसको, कई बिजनेसेस इसको यूज करते हैं कॉल टू एक्शन के लिए, यू नो, कॉल अस नाउ, join us now, right? Besides the basic introduction. So, जैसे आपका biography होगा, आप अपने biography में अपने बारे में लिखोगे, इसी तरीके से अगर आप FLP India का या Instagram handle देखोगे तो you know, I have shown over here, यहाँ पे लिखा है Forever Living Products India, Health or Beauty. फिर लिखा है founded in 1978, Forever Living is now a multi-billion dollar company based in Scottsdale, Arizona that manufactures and sells wellness and beauty products. एक drop है और Forever Living Products India जो है इनका address दिया गया है यहाँ पर. So that's about Forever Living Products India का Instagram handle आप जो यहाँ पे देख रहे हैं. Then this is the bio as you see it over here. Then we come to you know, a term which is known as DMs. DMs are direct messages. Users privately communicate कर सकते हैं with each other through direct messages. अगर किसी customer की कोई complaint है या question है या कोई best practices या chat करना है तो आप direct messages के through अपनी profile जो है उसको private कर सकते हैं. Direct messages जो होते हैं इनको DM refer किया जाता है. Then when we come to Instagram terminology, तो यहाँ पे एक word use होता है which is filters. So filters क्या होते हैं, आप filters को apply कर सकते हैं, preset कर सकते हैं अपने photos के लिए, ताकि आप अपने photo के features को और photo के जो colors हैं उनको enhance कर सकें. So that is what is about filters, right? Then we come to another terminology which is follow. अब फॉलो क्या होता है, फॉलो आप किसी यूजर को फॉलो करते हैं जब इंस्टाग्राम पे, तो आप उसका कंटेंट अपने टाइमलाइन पर देखते हैं, आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज को व्यू कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ देयर एप्लीकेशन. सो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते टाइम यू नो, उनका जो आपका टाइमलाइन होगा उस पे आप उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आप देख पाएंगे. साथ ही साथ उनकी जो, अगर वो कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं तो वो आप स्टोरी भी देख पाएंगे, राइट? सो दैट्स अ फॉलो. अब हम एक और टर्मिनोलॉजी का को यूज करते हैं विच इज फॉलोअर्स. फॉलोअर्स आर पीपल जो आपकी पिक्चर्स देखते हैं जो आपकी टाइमलाइन पे होती हैं. सो दीज आर द पीपल जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं. देन हैशटैग, ट्विटर की तरह जो इंस्टाग्राम होता है उसमें भी हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है. हैशटैग जो होता है ये इट्स यूज टू इंडेक्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस. मतलब जब आप किसी हैशटैग पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई पोस्ट डाला, उस पोस्ट में आपने एक हैशटैग डाला नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ऐसा इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढ रहा है, यानी कि जो देखना चाहता है कि कौन सी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो को प्रोपोगेट करती हैं, तो वो हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डालेगा एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू सी ऑल द कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोपोगेट कर रहे हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग
को यूज करें, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो हैशटैग्स जो हैं वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होते हैं इंस्टाग्राम हैंडल का. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप हैशटैग्स हैं वो राइट तरीके से यूज करें. इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, राइट. सो देन वी कम टू अनदर फीचर. और हैशटैग्स के बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी, बिकॉज ये मेक और ब्रेक होते हैं इन इंस्टाग्राम. अगर आपने सही तरीके से हैशटैग्स का इस्तेमाल किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर, देन यू नो यू विल बी रियली एबल टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, और आप नए फॉलोअर्स अपने बना सकते हैं. देन वी कम टू हाईलाइट्स. हाईलाइट्स जो होते हैं ये रील होते हैं आपके इंस्टाग्राम का, यू नो आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज ऊपर दिखती हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी फोटो गैलरी के ऊपर, एंड दे स्टे अंटिल एंड अनलेस यू रिमूव देम. सो दीज आर द हाईलाइट्स. देन देयर इज अ होम बटन. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दैट्स जहाँ पे आपने देखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने देखा है ऊपर मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दैट्स यू नो दीज आर द स्टोरीज. सो दीज आर द हाईलाइट्स. दिस इज व्हाट यू सी ऑन एन इंस्टाग्राम हैंडल. अब होम पेज क्या होता है? आपको होम बटन को टैप करना होता है टू लैंड टू द होम स्क्रीन. सो अगर आप होम स्क्रीन पे पहुंचना चाहते हैं, नीचे आप एक होम बटन देख रहे हैं, यू हैव टू टैप इट, जो कि आपकी टाइमलाइन या फीड भी होती है. तो यहाँ से आप फोटोज देख सकते हैं फ्रॉम द पीपल दैट यू फॉलो, राइट. देन वी टॉक ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज. स्टोरीज एक बहुत ही पॉपुलर फीचर होता है ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये पिक्चर्स और वीडियोज जो होते हैं ये 24 आवर्स के लिए होते हैं और 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाते हैं. इनफैक्ट यू नो स्टोरीज आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर, और माना जाता है कि ये न्यूज फीड्स को भी यू नो पीछे छोड़ देंगी इस साल के अंदर. सो दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड यू नो बट दे आर वेरी वेरी एक्साइटिंग. So Instagram stories is a good thing to use जब आप Instagram अपना handle बनाते हैं to reach out to a lot of people. Then tag आप अगर आपको किसी को tag करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप @ symbol और उसका नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का, and then you can tag the person. आप किसी picture पे tag कर सकते हैं, किसी story में tag कर सकते हैं. So that's how you tag people on Instagram, right? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ बेसिक इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की. अब हम बात करते हैं कि हम क्या कारण है जिसकी वजह से हम इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इट इज इजी टू यूज. इंस्टाग्राम एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और आप बहुत आसानी से इसके यूज टू हो जाएंगे विद इन नो टाइम, राइट. इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस इज एब्सोल्युटली फ्री. आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू अपने फॉलोअर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं. सो यू नो यू विल बी एबल टू नो व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, यू नो व्हाट आर देयर प्रेफरेंसेस. सो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और आप अपने प्रोडक्ट्स को टैग और प्रमोट भी आसानी से कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू. देन आपके कस्टमर्स और यूजर्स आपको टैग कर सकते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग टूल है एंड ये आपको इसके माध्यम से आप अपनी साइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे यू नो आप अपने बायो में साइट का एड्रेस डाल सकते हैं, जहाँ पे क्लिक करके यू नो पीपल हु आर फॉलोइंग यू दे कैन रीच ऑन टू द साइट. अब हम कैसे यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए. सबसे पहले आपको प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज डालनी है. इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजुअली प्लीजिंग कंटेंट शेयर करें इंस्टाग्राम हैंडल पे. सो द पिक्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल लुकिंग. सेकेंडली आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का इस्तेमाल करना है. इंस्टाग्राम स्टोरीज इस चैनल का सबसे पॉपुलर फीचर्स है. और जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे के बाद ये पिक्चर्स जो फोटोज जो होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं. इंस्टाग्राम बहुत सारे यू नो टूल्स आपको ऑफर करता है जो आपके लिए एंगेजिंग और क्रिएटिंग स्टोरीज, जिसकी मदद से आप बना सकते हैं लॉट ऑफ स्टिकर्स, लॉट ऑफ थिंग्स विच इंस्टाग्राम प्रोवाइड्स, ताकि आप अपनी स्टोरीज को बहुत ही एक्साइटिंग और क्रिएटिव बना सकते हैं. देन शो व्हाट यू कैन डू इन अ क्रिएटिव वे. सो अब आप इंस्टाग्राम के जरिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं. जैसे आप
आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचने नहीं है, बट यू कैन टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, यू कैन फोकस ऑन द सॉल्यूशन दैट यू प्रोवाइड, नॉट द प्रोडक्ट्स दैट यू सेल. अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा. दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट आप अगर आप भी अपने आप को अपने कस्टमर की तरफ रख के देखें तो आप भी कोई चीज तब खरीदते हैं जब आपको ये समझ में आता है व्हाट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए इसके अंदर क्या मुनाफा या फायदा है. तो यही आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ करना है. यू हैव टू शेयर द बेनिफिट्स, और आप एक्चुअल बेनिफिट्स शेयर करेंगे. जब आप शेयर करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स अपने आप आगे सेल होंगे. आप स्ट्रीम कर सकते हैं लाइव वीडियोस इंस्टाग्राम में, आप एंगेज कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अदर इंस्टाग्राम यूजर्स. आप उनके उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, या आप उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं. सो यू हैव टू एंगेज विद देम. देन आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैशटैग. तो हैशटैग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं है या वो लोग जो आपको नहीं जानते या आप जिनको नहीं जानते, सही हैशटैग के माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं. राइट, दैट्स व्हाई इन द बिगनिंग आई सेड कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको लोगों तक, लोगों के साथ एंगेज करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है ताकि आप अपना एक नेटवर्क बना सके. एंड इट्स ट्रू कि अगर आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्क भी होगी. राइट, देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज IGTV, इंस्टाग्राम टीवी. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज अ लवली फीचर जहाँ पे आप वीडियोज लॉन्ग ड्यूरेशन आप शेयर कर सकते हैं IGTV के अंदर. राइट, ये फीचर अलाउ करता है यूजर्स को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे. IGTV वीडियोस जो होते हैं वो लंबे होते हैं और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू क्रिएट फ्रेश एंड एंगेजिंग वीडियो कंटेंट फॉर योर ब्रांड. सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इट्स अ ग्रेट, ओके नाउ वी कम टू, सो दिस इज हाउ आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड द बिजनेस. राइट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इसको फुली यूज नहीं कर रहे हैं वो शायद इसका पोटेंशियल समझ रहे होंगे. अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो फीचर के बारे में इन इंस्टाग्राम, विच इज हैशटैग. हैशटैग एक ग्रेट तरीका होता है जहाँ से यूजर्स कंटेंट पाते हैं और देख पाते हैं, गेट योर कंटेंट सीन ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचाओ, वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं हैं या वो लोग जो सिमिलर यू नो कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो. हैशटैग्स इंक्लूड करता है लेटर्स और नंबर्स, बट दे कांट कंटेन नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स. आप उनमें नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते. यूजर्स कैन बोथ सर्च फॉर हैशटैग्स एंड क्लिक ऑन द हैशटैग्स दे सी इन पोस्ट इन द ऐप. रेलेवेंट हैशटैग्स कैन बी हाईली इफेक्टिव टूल टू गेट नोटिस. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यूजर्स होते हैं यू नो अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है, somebody is interested in women power, right? तो उसने डाला hashtag women power. तो hashtag women power से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो फीचर करेंगे hashtag women power के अंदर. राइट, एंड यू नो वन कैन स्क्रोल थ्रू इट. अगर आप हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डाल रहे हो तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द पोस्ट विच आर रिलेटेड टू दैट, और आप उस पे स्क्रोल कर पाओगे एंड यू नो यू विल बी एबल टू रीच आउट टू लॉट मोर पीपल. अगर आप यूज द राइट हैशटैग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैशटैग्स आप रेलेवेंट इस्तेमाल करो. ये एक सबसे आसान तरीका है आपका कंटेंट देखने का उन इंस्टाग्राम यूजर्स के थ्रू जो आज आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं. इंस्टाग्राम आपको 30 पर पोस्ट यूज करने को अलाउ करता है. सो यू कैन यूज 30 हैशटैग्स पर पोस्ट, यानी कि 30 अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास हर अपनी पोस्ट पे टू गेट योर कॉन्टेंट सीन. यानी कि जितने नए लोग आपका कंटेंट देखेंगे उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट होगा और उतने ही ज्यादा फॉलोअर्स होंगे. राइट, अब हम देखते हैं कि कौन से हैशटैग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
डिसाइडिंग ऑन विच हैशटैग्स टू यूज इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हैशटैग स्ट्रैटेजी. जैसे आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होती है जो आप बना सकते हो, उसी तरीके से यू नो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके का हैशटैग यूज करना है अपने पोस्ट के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट. मॉनिटर कर सकते हो आप हैशटैग जो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये भी मॉनिटर करना है कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो किस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग हैशटैग्स. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या मैं सेम हैशटैग्स को हर पोस्ट पे इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर हैशटैग्स बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट यू आर पोस्टिंग. यानी कि अगर आपका कंटेंट डिफरेंट है तो आपके हैशटैग्स भी डिफरेंट होने चाहिए. आपको सेम हैशटैग्स को कॉपी और पेस्ट नहीं करना है अपनी सिंगल पोस्ट के ऊपर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज कीजिए आपने अपनी एक प्रोडक्ट पोस्ट डाली है जिसमें आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैशटैग्स डाल दिए हैं. अब आप कोई पर्सनल पोस्ट डाल रहे हैं और आप उसमें वही प्रोडक्ट रिलेटेड हैशटैग्स डाल रहे हैं. सो विच इज वेरी वेरी अनॉइंग और बहुत इरिटेटिंग होता है एंड डजंट मेक सेंस ऑल्सो. पीपल डोंट टेक यू सीरियसली. सो जिस तरीके की आपकी पोस्ट होगी आप उस तरीके के हैशटैग्स डालेंगे. मैं आपको भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी एंड प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही पॉपुलर हैशटैग्स शेयर करूंगी जो मदद करेंगे आपकी रीच बढ़ाने में टू लॉट ऑफ पीपल. Then, thirdly, avoid using the same hashtags. Same hashtags बार बार मत use कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका account जो होगा वो spam mark किया जाएगा और आपका engagement जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा. Right? Now, the next question is, do I need to put 30 hashtags on every post? क्या, क्योंकि Instagram 30 hashtags allow करता है, तो क्या आपको 30 hashtags हर post पे डालने हैं? You can, आप डाल सकते हो. You really don't have to, right? Hashtags relevant होने चाहिए. But yes, बोला जाता है कि 10 से अब hashtags जरूर होना चाहिए. आपको अपने hashtags को अपना जो caption आप देते हो photo पे उसके साथ जरूर match करना है. Right? Now एक question आता है कि should I put the hashtag in the caption or in the comment? तो आप caption में डालोगे या comment में डालोगे? Ideally लोग caption में डालते हैं, but a lot of people put it on comment also. ये आपकी एक personal preference है. अगर आप उसे comment में post कर रहे हो तो आपको immediately post करना है जैसे आपका post live जाता है, otherwise it will end up being useless. So you can put it in caption also. Right? So it's very important to have a catchy caption also जो आप डालते हो. Instagram is all about sharing pictures, but it is about meaningful content also, right? So अब हम बात करते हैं कुछ hashtags जो आप use कर सकते हैं और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए. Home business, online business, ये generic hashtags हैं जो आप अपने business के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बहुत searched hashtags होते हैं, so अपने post में आप इनको डाल सकते हैं. Then जो लोग entrepreneurs हैं उनके लिए क्या क्या hashtags होते हैं? Business owners, small business owners, be your own boss, right? So it can be a business owner and it can be business owners also, right? Then entrepreneurial, startups, entrepreneurs of Instagram. तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे या आने वाली कुछ स्लाइड्स को देखेंगे तो जो हैशटैग्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, मैंने उनको बोल्ड में डाला हुआ है. बिजनेस ओनर्स, इन सब में एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंस्टाग्राम, दीज आर द मोस्ट सर्च हैशटैग्स. सो ये मैंने ऑलरेडी बोल्ड में डाल दिए हैं. अब फॉर विमेन हु आर इन बिजनेस, फीमेल एंटरप्रेन्योर, विमेन सपोर्टिंग विमेन, हैशटैग लेडी बॉस, हैशटैग विमेन इन बिजनेस, हैशटैग विमेन एम्पावरमेंट, hashtag women who hustle. तो अगर आप इसमें देखेंगे hashtag women who hustle is very very popular in search feature hashtag. Hashtag women power is again बहुत searched hashtag. Then boss lady. These are some hashtags for women who are in business. Then motivation. अगर आप something कोई motivational चीज डाल रहे हैं, कोई motivational post डाल रहे हैं, तो आप उसमें क्या hashtag डाल सकते हैं? Dream big or go home. You gotta stay focused, hard worker, passionate, stay focused, daily motivation, success mindset, business passion, right? So आप इन motivational posts पे ये hashtag डाल सकते हैं. Dreamers, self growth. So अगर आप देखेंगे the highlighted ones are the ones to बहुत searched hashtags हैं.
देन अगर आप कोट से रिलेटेड कोई कोटेशन शेयर कर रहे हैं तो आप डालेंगे मोटिवेशन कोट, एंटरप्रेन्योर कोट्स, कोट्स डेली, इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशन कोट्स एंड सक्सेस कोट्स. सो ये सबसे पॉपुलर हैशटैग्स हैं. बिजनेस कोट्स, इंस्पायरिंग कोट्स, कोट्स अबाउट लाइफ, दीज आर वेरी पॉपुलर हैशटैग्स. तो ये आपके लिए एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से पिकअप भी कर सकते हैं बिकॉज आपका कंटेंट इसी के इन एंड अराउंड होगा. अगर आप कोई एजुकेशनल पोस्ट डाल रहे हैं सो आपके क्या हैशटैग्स हो सकते हैं, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑलवेज लर्निंग, बिजनेस टिप, पर्सनल ग्रोथ, आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो आप क्या डालेंगे, बिजनेस पार्टनर, कम्युनिटी ओवर कॉम्पिटिशन, नेटवर्कर, हेल्प अदर्स, वेरी रेलेवेंट, राइट. लीडरशिप से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो फॉलो द लीडर, मेंटोरशिप, लीडर्स, स्पीकर, मिलियनेयर मेंटोर, राइट. तो आप ये हैशटैग्स यूज कर सकते हैं. देन अगर आप बिजनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोड डाल रहे हैं, यू नो, यू अगर आप अपना कोई हॉलीडे पिक्चर डाल रहे हैं जो आपने फॉरएवर से के साथ कोई ट्रिप पे आप गए हैं, यू नो, सम ग्लोबल रैली और सम अदर ट्रिप, तो आप एंटरप्रेन्योर लाइफ, एंटरप्रेन्योर्स लाइफ, वर्क एंड ट्रैवल, एंटरप्रेन्योर्स लाइफस्टाइल, बिजनेस लाइफ, स्टार्टअप लाइफ, वर्क एनीवेयर, फ्रीलांस लाइफ, डिजिटल नोमैड, आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. लैपटॉप लाइफस्टाइल, ये भी आप डाल सकते हैं, राइट. देन अगर आप कोई प्रमोशन से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉलो माय स्टोर, ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन, शॉप स्मॉल, सैटिस्फाइड कस्टमर, हैप्पी कस्टमर, आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू कि आप यू नो नए लोगों तक रीच आउट करें बाय यूजिंग द राइट हैशटैग्स. So please use hashtags. 30 hashtags allow करता है Instagram. And I once again repeat, आप same hashtag हर post पे मत डालिए. इसीलिए मैंने आपको segregate करके भी बताया है. You can create your own hashtags. या आपकी एक particular कोई post है तो आप उससे related जो words हैं आप उनके hashtags search कर सकते हैं. You'll be able to find so many hashtags, you know, which people are using. प्लीज यूज इट. 10 से ज्यादा यूज कीजिए और 30 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं. द मोर द बेटर, राइट. मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके आगे रखे हैं. ये मैंने एक पोस्ट देखी थी, यू नो, समबडी हू हैज स्पोकन अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, एंड इफ यू कैन सी दिस पर्सन हैज यूज्ड, एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम फॉरएवर लिविंग, राइट, आई थिंक फ्रॉम ब्राजील. सो इन्होंने इतने ढेर हैशटैग्स इस्तेमाल किए हैं. सो यू नो विच मीन्स दैट बहुत सारे लोग जो इनमें से कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हैशटैग्स डाल के देख रहे हैं, विल बी एबल टू सी देयर पोस्ट. हो सकता है वो इनके फॉलोअर्स हो सकता है वो ना भी हो. अनदर एग्जांपल दैट यू कैन सी ओवर हियर, यू नो, दिस इज समबडी फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ये डाला है, यू नो, अपलाइन इज लाइफ लाइन, एंड सी द नंबर ऑफ हैशटैग्स. यहाँ पे तो उन्होंने सारी कंपनीज के नाम डाल दिए हैं, बट यू नो यू शुड बी प्रमोटिंग, विच इज Not an appropriate, but I just want to show you कि ये कोई network marketing के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये post डाली है. I just want to tell you that hashtags जिन्होंने बहुत डाल दिए हैं, but you know hashtags are not related to, ये classic example है, hashtags related नहीं है post के साथ, you know. हैशटैग्स नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, बट नॉट रियली डायरेक्टली एसोसिएटेड. सो यू कैन सी दिस आल्सो ओवर हियर. सो अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के डूज एंड डोंट्स की. इंस्टाग्राम के डूज की जब हम बात करते हैं, सो सबसे पहला है कि आपको पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली और एंगेज करना है फॉलोअर्स के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू सो. आपको पिक्चर्स शेयर करनी है जो बहुत यूनिक हो, जो फुल ऑफ पर्सनालिटी हो, और जो अटेंशन ग्रैबिंग पिक्चर्स हो, बिकॉज ये एक पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. सो दे शुड बी यूनिक एंड अटेंशन ग्रैबिंग. तीसरा, आप अपने प्रमोट कर सकते हो इवेंट्स को. अगर आप अपने इवेंट्स को प्रमोट करते हो, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करने का.
देन आपको 80-20 रूल दिमाग में रखना है. यू हैव टू लिमिट योर पोस्ट दैट एम डायरेक्टली एट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स टू 20% एंड 80% ऑफ द कॉन्टेंट जो होता है वो एंगेजिंग कॉन्टेंट होना चाहिए फॉर द फॉलोअर्स दैट डज नॉट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 20% पोस्ट प्रोडक्ट फोकस पे हो और 80% जो पोस्ट हो आपका कॉन्टेंट जो हो वो एंगेजिंग कॉन्टेंट हो आपके फॉलोअर्स के साथ और जो फोकस ना करे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर. इंस्टाग्राम स्टोरीज को यूज कीजिए अपना एंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए. राइट, हैशटैग्स को लिबरली इस्तेमाल कीजिए जो इंडस्ट्री और पोस्ट से रेलेवेंट हो. और यू नो यू हैव टू वर्क टू बूस्ट एंगेजमेंट. आप टीजर फोटोज डाल सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई नई रिलीजेस हो टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ योर कंज्यूमर्स. और अपने बायो को कैपिटलाइज करना मत भूलिए. दैट्स द फर्स्ट प्लेस जो कोई इंसान देखता है जब आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे आता है. सो दीज आर सर्टन टूल्स. अब हम बात करते हैं कुछ डोंट्स की. डोंट ओवर पोस्ट. डिसाइड कीजिए आपको कितनी बार पोस्ट करना है. दिन में 2 बार करना है, दिन में 1 बार करना है, हफ्ते में 1 बार करना है, 3 डेज में 1 बार करना है. बट डोंट ओवर पोस्ट, यानी एक के बाद एक पोस्ट आप डाले जा रहे हैं. अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको एड्रेस करने से डरिए मत. यू हैव टू रिप्लाई बैक टू द क्वेरीज. अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट मत कीजिए. इट्स शुड नॉट बी अबाउट मी, यू नो इट्स अबाउट एंगेजमेंट. आपको दूसरे के बारे में भी जानना है और उनके बारे में भी बताना है और उनको भी बताना है. बट इट्स नॉट अ मोनोलॉग. एक कॉन्वर्सेशन होती है जो आप इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो. डोंट फेल टू एंगेज. प्लीज एंगेज विद योर ऑडियंसेस. पोस्ट कीजिए रेलेवेंट कॉन्टेंट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट. राइट, सो दैट्स अबाउट इंस्टाग्राम डूज एंड डोंट्स. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज प्लान, यानी कि 30-day पोस्ट आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. 30 days पोस्ट आइडियाज जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं. आप एक इंस्पायरिंग कोट शेयर कर सकते हैं. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ. You know, you can ask them how are they feeling. You can share what are you reading. You can ask for help. A day in a life post आप डाल सकते हैं. आप अपने पेट से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं. You know, एक कोई वीडियो डाल सकते हैं of you dancing या smile more often quote डाल सकते हैं. वेदर के बारे में कोई पोस्ट डाल सकते हैं. कोई पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट के बारे में आप बता सकते हैं जो आपने किसी को दिया हो. अपने प्लांट्स जो आपके गार्डन में है आप उसके बारे में बता सकते हैं. वीडियो आप डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट जो आपने रिसीव किया हो या जो आपने सरप्राइज रिसीव किया हो आप उसकी पोस्ट डाल सकते हैं. कोई सेल्फ लव टिप डाल सकते हैं. कोई फन फैक्ट डाल सकते हैं. डिलिशियस रेसिपी या कोई ओल्ड पिक्चर. कोई ब्यूटिफुल व्यू. आपके रोल मॉडल कौन है. आप किस तरीके की आर्ट पसंद करते हो. आपका फैमिली फोटो. कोई बिहाइंड द सीन्स पिक्चर. कोई लाइफ हैक. कोई न्यू हैबिट या कोई विन आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो. इंस्पिरेशनल पोस्ट या प्रोडक्ट पिक्चर. सो ये 30 पोस्ट आइडियाज हैं या कंटेंट है आपका जो आप यू नो डाल सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने. सो अगर आप हर दिन इनमें से भी एक प्रिपेयर करके डालोगे, एक आप डिसाइड कर लो कि आपको इसी को फॉलो करना है. So, you know, that also will give a variety of content. Similar content मत use कीजिए. हमने कल भी इसके बारे में बात की थी. आपका content different होना चाहिए. हर तरीके का content. आपके आपके followers हर तरीके की personality के हैं. So, you know, you have to post different types of content. You have to post about yourself. You have to post about others. Lot of things जो आप डाल सकते हो to make it more engaging. ये मैं आपको एक वीकली कंटेंट आइडियाज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मंडे को आपकी बिजनेस यू नो कंटेंट डे हो सकता है. ट्यूसडे को आपका प्रोडक्ट कंटेंट डे हो सकता है. वेडनेसडे को आपका आप किस चीज पे किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो कंटेंट डे हो सकता है. थर्सडे को वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट वो कंटेंट डे हो सकता है. फ्राइडे को आप अपना ये वीक कैसे खत्म कर रहे हो वो कंटेंट डे हो सकता है. सैटरडे को आप सैटरडेज को क्या करते हो वो कंटेंट डे हो सकता है. और संडे को आपको क्या इंस्पायर करता है. अब बिजनेस में आप एक मंडे मोटिवेशन डाल सकते हो. आपको इंस्पायरिंग कोट डाल सकते हो. कोई कोई ऐसी चीज आपके बिजनेस में इंस्पायर करती है वो
आप अपना कोई मोस्ट लॉयल कस्टमर को डाल सकते हो, राइट? ट्यूसडे को यू नो प्रोडक्ट्स पोस्ट में आप कोई नया प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, आप कोई अपना फेवरेट प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, आप यू नो आप फॉरएवर के जो हेडक्वार्टर्स हैं आप उनके बारे में डाल सकते हो, दिखा सकते हो, आप अपना न्यूज़लेटर दिखा सकते हो. So that's what you can do. Wednesday को आप दिखा सकते हो when you were pushed out of your comfort zone. आप कोई virtual meeting दिखा सकते हो, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपने forever join किया. आप product of the month दिखा सकते हो, कोई ऐसी Thursdays को जो मैंने आपसे कहा one thing that you cannot live without, आप अपना daily routine दिखा सकते हो, something on which जो इसमें आपने बहुत splurge किया हो वो दिखा सकते हो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट जिसपे काम कर रहे हो या कोई फेवरेट फूड हो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो दिखा सकते हो. सो सिमिलरली फॉर फ्राइडे सैटरडे संडे दीज आर द वेरियस आइडियाज कंटेंट आइडियाज जो आप फॉलो कर सकते हैं. Right? Please make a note of this. और मैं आपसे really request करूंगी कि अगर you know this makes life very easy and simple for you. अगर आप इसी को follow करेंगे, so you'll be really able to you know reach out to a lot of people and make your content very very engaging. आप क्या ideas और use कर सकते हैं? कोई behind the scenes recent virtual event दिखा सकते हैं, best advice जो कभी आपको किसी ने दी हो वो शेयर कर सकते हैं, अपने followers को thank you कर सकते हैं, अपने आप को introduce कर सकते हैं, कोई tutorial शेयर कर सकते हैं, आपका favorite restaurant और meal शेयर कर सकते हैं, कोई boomerang शेयर कर सकते हैं, कोई opinion ले सकते हैं लोगों से, and many many more ideas that you can do. So ideas की कमी नहीं है, try to make your content as engaging as you can. And that's why we say that the strength of your social media is determined by the strength of your content. So अगर आपका content strong है, तो you know I can assure you that आपका engagement और आपका reach भी बहुत ज़्यादा होगा. Then we move on to the next platform, which is YouTube. So you know this is. अब हम बात करते हैं कि YouTube क्यों. YouTube second biggest search engine in world में, and this is the world's second biggest website with over 1 billion registered subscribers. इसीलिए YouTube सबसे बड़ा search engine in the world, right? लोग जो होते हैं वो 1 billion hours of video देखते हैं on YouTube. So you can imagine the potential. 1 billion hours of video on YouTube every day. YouTube जो होता है वो रीच आउट करता है 18 to 49 year olds को on mobile then on any TV channel or cable network. So again ये दिखाता है कि कितना बड़ा रीच है YouTube का more than a TV channel or a cable TV network. So and the age group is from 18 to 49 years of age. So that is why YouTube एक बहुत important platform है use करने के लिए. इससे पहले आप किसी YouTube चैनल को यूज करें, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एनी YouTube चैनल. सबसे पहला, व्हाट इज द गोल दैट यू वांट टू अचीव विद YouTube? इम्प्रूविंग, आप क्या गोल है जो अचीव करना चाहते हो YouTube से, एंड सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू. Guys, I'm going to pause the share for a minute because I think, you know, my laptop battery is conking off. I just need to switch on the power. Give me a minute to resume the power. Sorry for this. We'll
just move on to YouTube once again. Okay. All right. जब हम YouTube की बात करते हैं, सो द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स इनटू यू नो दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि आप अपने YouTube चैनल से क्या गोल अचीव करना चाहते हो. व्हाट इज द गोल दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर YouTube चैनल. आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस इम्प्रूव करना चाहते हो, आप एंगेजमेंट इम्प्रूव करना चाहते हो, आप ज्यादा लीड्स या कन्वर्जन्स चाहते हो, आप अपने वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक चाहते हो, आप सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप कोई कम्युनिटी ग्रो करना चाहते हो. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर यूट्यूब चैनल, या आप लोगों को सिखाना चाहते हो जिसकी जानकारी आपको है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देन एक और क्वेश्चन, आप यूट्यूब क्यों यूज करना चाहते, आप किसके लिए वीडियोज क्रिएट कर रहे हो. तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं जब आप अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं. आप ये वीडियोज किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और आपको उनके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आप लोगों को सिखाना चाहते हो दैट वो उन लोगों को रीच आउट करना चाहते हो जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं. उनको ये जानना है कि वो कैसे कमा सकते हैं. तो उसके साथ साथ आप उनको ये भी बता सकते हो दैट हाउ कैन दे लुक गुड एंड फील गुड बिसाइड्स अर्निंग एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड स्पीक टू देम डायरेक्टली ऑन यूट्यूब. Then, what are you going to use for light source camera and audio? So, आपके ये question भी आपके दिमाग में आएगा that आप को किस चीज का इस्तेमाल करना है. वो यूज कीजिए जो आपके पास है. आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, नेचुरल सनलाइट यूज कर सकते हैं, यू नो, हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. You know, and here I would like to share that I knew somebody, you know, जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं. और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था अपने वीडियोज को अपलोड करना, she said that मेरे पास, you know, कोई भी फैंसी गैजेट नहीं था. एंड वो पिछले 5 साल से यूट्यूब पे अपलोड करती हैं वीडियोज. एंड she said मेरे पास कोई फैंसी, and in fact 2 साल तक मेरे पास कोई भी गैजेट नहीं था. मैं उस समय शूट करती थी जब सबसे अच्छी सनलाइट होती थी, जहां मुझे शूट करना है वहां पे अच्छी लाइट होती थी, मैं उस टाइम पे शूट करती थी. एंड मैं अपने हेडफोन्स या माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करती थी. सो व्हाटएवर यू हैव, आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि आप कितने वीडियोस कमिट करते हो पब्लिश करने के लिए हर वीक या हर महीने. सो कंसिस्टेंसी की है यूट्यूब पे और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. आइडियली 1 वीडियो पर वीक इज आइडियल फॉर एंगेजमेंट, पर वंस अ मंथ और एवरी अदर वीक कैन वर्क एज वेल. आप 15 डेज में एक करना चाहते हो, वंस इन अ मंथ करना चाहते हो, दैट्स ऑल्सो ओके. सो मे बी यू नो यू कैन स्टार्ट विद 1 वीडियो इन 15 डेज एंड धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं. यू नो आई वुड जस्ट लाइक टू मेक अ मेंशन दैट जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप भी वेरियस कंटेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल्स पे यूज करें. सो डोंट कीप इट एट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आफ्टर अ वाइल एंगेजमेंट आपका उतना नहीं रहेगा. Then we talk about the types of videos. So, अगर आप ज्यादा brand awareness create करना चाहते हो तो ये videos हैं जो आपके goals को reach करने में मदद करेंगे. Brand videos जो showcase करते हैं आपके business को या आपके core values को. Educational या how to videos, you know, people, you know, want to learn कि how to do a particular thing. So, आप इन educational videos को use कर सकते हो. Interviews influencers के साथ या आपके thought leaders के साथ in your niche एरिया, आप उनको वो उस टाइप के वीडियोस आप कर सकते हो. प्रोडक्ट वीडियोस आप डाल सकते हो जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है, यू नो व्हाट इट कैन डू फॉर योर टारगेट ऑडियंस. आप ऐसे वीडियोस डाल सकते हो, वीडियो टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस.
अब हम बात करते हैं सेटिंग कैसे करते हो आप अपने यूट्यूब चैनल की। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल की सेटिंग करनी है, एक अकाउंट चाहिए होता है यूट्यूब का, जिसपे आप अपलोड कर सको और एंगेज कर सको यूजर्स के साथ। आपको अपने यूट्यूब की प्रोफाइल को कस्टमाइज करना होता है। हर यूजर को एक चैनल असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर नेम। आपका एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है जो आपको दिया जाता है, ताकि और लोग उसके लिंक के थ्रू आप तक पहुंच सके, राइट? तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू सेट अप अ यूट्यूब चैनल। अब हम बात करते हैं यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स की। सो यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स की हम बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आप व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बोला जाता है कि और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें व्यूअर्स की सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी ऑडियंस को पता करने का कि आपने कब वीडियो अपलोड किया है या आपने कोई नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो जैसे ही आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं पर आपने वीडियो अपलोड किया और उन्हें आपके बहुत सारे लोग यू नो आपकी वीडियोस देखते हैं, पर अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो जब भी आप कोई नया वीडियो डालोगे उन्हें पता नहीं चलेगा। आपको शेयर करने हैं वीडियोस और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लिंक वीडियोस को लिंक बैक कीजिए वेबसाइट के ऊपर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो दैट एवरीबडी नोज कि आप ये हर प्लेटफॉर्म पे आप डालिए जब भी आप वीडियो को अपलोड करें अपने लिंक के साथ। रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कीजिए वीडियो के टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन में, राइट? वो कीवर्ड्स जो आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में मदद करेंगे, ये आपकी एसईओ स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ राइट कीवर्ड। सपोज कीजिए आपका वीडियो है यू नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, लेकिन आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज कर रहे हैं, राइट? सो यू नो दीज टू आर नॉट मैचिंग। So anybody you know who is looking for, suppose कीजिए a business presentation, वो अगर वो business presentation देख रहा है, business strategy देख रहा है, तो अगर वो search भी करते हैं search engine पे जाके, तो आपका video वहाँ feature नहीं करेगा। अगर कोई product particular type का ढूंढ रहा है जो tag या title या description आपने दिया हुआ है, तो वो आपका video वहाँ feature करेगा, but जब वो आपके video पे click करेंगे तो उसमें business होगा। So, you know, again, that is very, very annoying for people and they really don't like to engage with people jahan description or titles different hote hain from the content. Engage kijiye with similar content uploaded by other users. Like kijiye comment or comment kijiye videos pe jo aur users jo hain aapke wo videos jo dalte hain. देन आपको अपनी प्लेलिस्ट को क्यूरेट करना है। क्यूरेट का मतलब आपको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वीडियोज आप सेपरेट प्लेलिस्ट में कीजिए, बिजनेस वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में कीजिए, ये बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। तो जब कोई भी यू नो आपका फॉलोअर कोई पर्टिकुलर टाइप उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपकी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकेगा कि आपने कितने वाइड वैरायटी ऑफ वीडियोस डाले हैं विच विल क्रिएट फर्दर इंटरेस्ट। अपने कंटेंट को अपलोड कीजिए रेगुलरली। वीडियोस व्यूअर्स जो होंगे वो काउंट कर रहे होंगे कि आप अपने कंटेंट को क्रिएट करें, एडिट करें और अपलोड करें, कि आपके आपके खुद के ब्रांड पे भी रेलेवेंसी ऐड करता है। क्लिकेबल लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे एज आई मेंशन मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो टू द साइट ऑफ पेजेस जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, और अब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ यूट्यूब डोंट्स के बारे में। डोंट हैव अ बोरिंग इंट्रो इन द फर्स्ट 15 सेकंड्स। फर्स्ट 15 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डोंट लुक इनटू द व्यू फाइंडर, लुक इनटू द लेंस फॉर द कनेक्ट। सो आप अपना वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप व्यू फाइंडर में देख रहे हैं, आप लेंस पे देखिए, डायरेक्टली लेंस की तरफ देख के आप अपना वीडियो बनाइए। देन अवॉइड स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है लीविंग अ कमेंट लाइक चेक इन आउट माय चैनल रादर देन पुटिंग रेलेवेंट कमेंट। इससे बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो आपने बहुत सारे लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर वीडियो में, आई हैव सीन लॉट ऑफ वेबिनार्स हैपनिंग, नीचे
कोई आते हैं व्यक्ति जो डाल देते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. सो दिस इज स्पैमिंग, अवॉइड डूइंग दैट. फिल्मिंग लोकेशन का आपको ध्यान रखना है. अपना बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग कीजिए, ऐसे एरियाज को अवॉइड कीजिए जहाँ बहुत नॉइस हो, और ऐसे टाइम शूट कीजिए जहाँ बेस्ट लाइटिंग हो, अंटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ शूटिंग लाइट्स हो जो आप यूज कर रहे हो. अपनी वीडियोस को फुल ऑफ एनर्जी रखिए, डोंट पुट वीडियोस विदाउट एनर्जी बिकॉज दैट विल नॉट बी एंगेजिंग एट ऑल. आपका कैमरा एंकल जो होना चाहिए आपकी यूट्यूब वीडियो में, यू नो योर बॉडी शुड फिल द एंटायर स्क्रीन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं बहुत दूर कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं. फ्रॉम हेड टू यू नो योर बॉडी, टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी नजर आना चाहिए कैमरा एंगल पे. किसी और को इमिटेट करने की कोशिश मत कीजिए, ऑथेंटिक बनिए. जैसे आप हैं उसी तरीके से आप वीडियो डालिए. सब्सक्राइबर्स मत परचेज कीजिए. यू माइट डू मीडिया बाइंग, आपका नंबर जरूर बढ़ सकता है पर एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा. सो ऑर्गेनिकली ग्रो कीजिए, और अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं तो अपना कॉन्टेंट एंगेजिंग रखिए, राइट. अगर आप किसी अपने फॉलोअर को, सब्सक्राइबर को के कमेंट पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या और सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने फैंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द क्रिएटर एंड कंज्यूमर. सो डोंट लेट दैट डिस्कनेक्ट हैपन. वेरी क्विकली मैं आपको कुछ यूट्यूब आइडियाज शेयर करती हूँ. एक वीडियो हो सकता है हेलो वर्ल्ड. आप व्यूअर्स को बता सकते हैं अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डू, आपका चैनल किस बारे में है. आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रांग इंट्रोडक्शन आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है और डिस्प्ले करता है, और आप अपना यू नो बिजनेस बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं पहले दिन से, एंड यू स्टार्ट हैविंग मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स. देन अनदर वीडियो आइडियाज, आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. What you do and why you do it, आप अपने business के purpose, को values और goals के बारे में, उसके future के बारे में बता सकते हैं, right? तो पहले video में आपने अपने बारे में बताया क्या आप पसंद करते हैं, यहाँ पे आप अपने business के बारे में बता रहे हैं. Then another video can be a tour video. यहाँ पे एक छोटा सा tour दिखा सकते हैं, virtual tour video कर सकते हैं. आप अपने office space को दिखा सकते हैं, आपने work space को दिखा सकते हैं, अपने शहर की किसी popular जगह को दिखा सकते हैं. Whatever makes sense आपके channel के लिए. Then आपके साथ जो team associated है, अगर आप दो लोगों की टीम है, आप दो लोगों की टीम शो कर सकते हैं. सो कुछ फन इंटरेस्टिंग वीडियो आइडियाज कर सकते हैं जहाँ पे अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करें. देन अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, राइट. सो यू कैन शो टू पीपल, वो इवेंट्स आप उनको दिखा सकते हैं या बता सकते हैं जिसने आपके करियर पाथ को शेप किया, क्या चीजें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया ताकि आप ये वीडियोस को बना सकें. दैट्स समथिंग विच यू कैन शो. आप कुछ कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोस कर सकते हैं, आप डू इट योरसेल्फ वीडियोस कर सकते हैं, आप शेक की रेसिपीज शेयर कर सकते हैं. सच अ ग्रेट आइडिया जो आप कर सकते हैं इन अ डू इट योरसेल्फ वीडियोस, राइट. आप एक इवेंट को कवर कर सकते हैं, इट कैन बी अ गुड वे टू गेट लॉट ऑफ न्यू पीपल टू योर चैनल. आप ये भी कर सकते हैं. आप कोई प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, कैसे बनते हैं ये दिखा सकते हैं, कोई बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हैं. आप कोई वर्चुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या तैयारी करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के बाद आप एक वीडियो डाल सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई डू फॉर दिस वर्चुअल प्रेजेंटेशन, राइट. So that's about YouTube, and this is how you can make your content very engaging and have more subscribers. Social media के कुछ engagement hacks हैं. Lastly, जो मैं आपको बोलना चाहूँगी जो आपके business को boost करने में मदद करते हैं, हम किसी भी platform की बात करें, irrespective of all platforms. सबसे पहले यू हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, रेगुलर पोस्ट कीजिए. मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर से बोलूंगी कि ये नहीं कि आप एक दिन कर रहे हैं 10 पोस्ट और उसके बाद आप 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं. पोस्ट रेगुलरली. सेकेंडली, सोशल मीडिया इज अबाउट एंगेजिंग, इट्स अबाउट अ कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों के साथ करते हैं. जैसे आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, जब आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं, जिस तरीके से आप उनसे बातचीत करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ उनके बारे में बताते हैं, दुनिया की इधर उधर की बातें करते हैं, आप वर्चुअल लेवल पे वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. सो यू हैव टू डू एन एंगेजमेंट. इमेजिन कीजिए कि आप किसी के साथ वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं. कॉमेंट कीजिए दूसरों के पोस्ट के ऊपर,
और इंटरैक्ट कीजिए लोगों के साथ. देन यू हैव टू टॉक टू पीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एंड मेक द मोस्ट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स. सो लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स, उनको लीवरेज कीजिए, बिकॉज उन ग्रुप्स में यू नो आपके इंटरेस्ट के ग्रुप्स होंगे, आपको सिमिलर लोग मिलेंगे जो आपके इंटरेस्ट के अंदर, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर नेटवर्क, राइट. So these are the ways where you can engage with people apne business ko badhane ke liye. In the end, I would just like to say that, you know, marketing guru Mr. Philip Kotler ka ek quote hai, the best advertising is done by the satisfied customers. Agar aapka social media mein aap consistently post kar rahe hain, engage kar rahe hain, aap comment aur interact kar rahe hain, logon se baat kar rahe hain, aapne Facebook groups ko leverage kar rahe hain, variety hai aapke posts ke andar, to you know aap advertise kar rahe hain. आप अपने आप को बता रहे हैं, यू योर सेल्फ आर अ ब्रांड, आप अपने ब्रांड को प्रोपोगेट कर रहे हैं. तो जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग यू नो आपके बारे में फर्दर प्रमोट करेंगे. सो अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, दैट्स द बेस्ट एडवर्टाइजिंग फॉर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरीथिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट हर वो चीज जो आप सोशल मीडिया पे डालते हो वो आपके पर्सनल ब्रांड को इम्पैक्ट करती है. आप अपने आप में एक ब्रांड है, आप क्या हो उसको इम्पैक्ट करती है. तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप किस तरीके से जाने जाना चाहते हैं, आप जिस तरीके से लोगों के थ्रू जानना चाहते हैं लोग आपको जाने, आपको वही पोस्ट करना है. So if you want, you know, everything that you are posting on social media is impacting your personal brand. How do you want to be known is a question. आप जैसे जाना चाहते हैं वैसे आप पोस्ट कीजिए. And I'm sure, you know, आप इस इसमें से कुछ content pick up करेंगे, इसमें से कुछ ideas लेंगे और इन ideas को share करेंगे अपने social media platforms पे, अपने social media platforms को activate करेंगे और अपने business को virtually social media platforms के through grow करेंगे. I wish you all the very best and I would really really love to see आपने से बहुत सारे लोग जो इन mediums का इस्तेमाल करें to increase and enhance your business. All the best to you. Thank